कृष्णा जी, हरे कृष्णा, राम राम जी, राम राम जी। हम जा रहे हैं कैफे, पहले वॉक करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर सब्जी ले आएंगे, जूस वगैरह पियेंगे। सूट कितना लग रहा है थोड़ा? थोड़ा लंबा है तो अच्छा है, लंबाई जब दूंगी मैं कट गई। हुण प्रिया हौली हौली चल होगा, थोड़ी आदत पै गई ना। कितना कितना मैं आ जाती है नी, 3 किलोमीटर कितना कर ली होगी, होगी 3 किलोमीटर, 2.7 हो गया आपकी आदत तो बढ़ गई। नहीं नहीं यार, हाल पपीता भी खादी तो रही, तरेई खाई, पपीता भी खाता, कड़ी भी खाधी, और क्या खाता, बाजरे की रोटी भी खाधी, ज्वार की होगी हाँ, चल ज्वार की रोटी भी खाधी, चुकंदर भी खाधा, खीरा भी खाधा, खीरा भी खाधा, ये खाया करनी है ना। हाँ बस दो गग्गू, एक्चुअली ना मैं इनको सैर पे ले गया था, इवन डॉक्टर ने इनको 4-5 किलोमीटर रोज सैर करने को बोला है। ये ना मतलब ये आज चले हैं, जब से आए हैं 3 किलोमीटर। आप गलत पुड़ियां खा रहे हो, मत खाओ। मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया, किसी ने कमेंट किया कि हमारे मम्मी ना ऐसे खाते थे, उस टाइम पे उनको फर्क पड़ गया, बाद में वो बहुत नुकसान करती हैं वो चीजें। जो आपको पीजे के डॉक्टर ने बोला है वो करो, उस डॉक्टर से ऊपर तो कोई डॉक्टर नहीं हो सकता ना। मतलब हम अंत में कहाँ जाते हैं, पीजे अंत होता है ना हमारा। हम कोई भी अगर चीज तो बोलते पीजे दिखाएंगे, अगर वो डॉक्टर बोलेगा तब हम करेंगे। तो आपको उस डॉक्टर ने बोला है कि पुड़िया नहीं खानी है, ये सब चीजें खानी, तो आपको वही करना चाहिए ना। अब क्यों नहीं मानते बात, फिर आप नहीं मानते मम्मी, नहीं नहीं खानी चाहिए। और आप सब कुछ खाती रहती, और आपको पता आपको डांट पड़ी थी क्या हेल्थ डॉक्टर से, क्या बोला था उन्होंने, देसी पुड़िया नहीं खाती है, अभी आप बोल रहे थे हम परहेज करेंगे, समोसा परहेज नहीं करना, वो परहेज कम करेंगे। 3.5 किलोमीटर वॉक कंप्लीट हो गई, अभी मैं जाऊंगी कैफे, मतलब हम सब लोग, मुझे एप्पल जूस पीना है और उसके बाद कोकोनट वाटर पीना है। तो मम्मी लोग कोकोनट वाटर नहीं पीते, मलाई खा लेते हैं, पहले पीते थे, ये वाले मम्मी तो नहीं पीते, वो वाले पी लेते थे, बट फिर किसी ने बोला कि शुगर के लिए कोकोनट वाटर भी अच्छा नहीं होता, फिर इन्होंने वो पीना बंद कर दिया। मैंने स्टडी नहीं करी है, मुझे नहीं पता कि नारियल पानी और क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं, नारियल पानी अच्छा होता है शुगर के, किसी डॉक्टर ने बोला आपको अच्छा होता कि नहीं अच्छा, पर एक डॉक्टर ने आपको बोला था पिया करो, आप बोल रहे हो कि मैं अंकल आके देता था बीमार था। नहीं अगर अच्छा नहीं होता शुगर के लिए तो डॉक्टर नहीं बोलता ना, पर कुछ लोग बोलते हैं, फिर समझ में नहीं आता, सब बस यही देते नारियल पानी, है ना, बोलते थे ना। तो पिया था फिर आपने? पिया था। तो अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पीते आप? तो मजबूरी थी, डॉक्टर ने तो पीना पड़ेगा, यहाँ कोई मजबूरी। वो है दूर से चमकती है हमारा हिमाचल नंबर, क्या किस्मत है ना मम्मी, हिमाचल नंबर देखो। हमने कभी सोचा था मम्मी पटना आएंगे ना, बचपन में कभी नहीं सोचा था, इधर उधर ही शादी हो जाएगी, इधर उधर ही रहेंगे, पटना, कानपुर, मुंबई, नहीं फिर सोचा नहीं था ना इतना बड़ा बड़ा शहर घूमेंगे। मैं बैठी हूँ मम्मी लोग के रूम में, मदर इन लॉ ने इतना मोटा वाला कंबल लिया है, जैसे पता नहीं इनको कितनी ठंड लगती है। वैसे उस वाले मम्मी को भी मैंने कंबल रखा हुआ है, पंखा वंखा चलेगा तब ज्यादा ठंड हो जाती है, आज मौसम वैसे थोड़ा सा ठंड। और कल मेरा बहुत जरूरी पार्सल आएगा, तो अगर आ गया तो इस व्लॉग में आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं सोने, सोने से पहले हम लोगों ने आज सिर्फ एक मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, पंजाबी मूवी ना, क्या था, सास मेरी दे न्याणा जम्मिया, हाँ अच्छा। हाँ यही था। जब भी मम्मी लोग के रूम में आती है या तो हम ट्रिप की बातें करते हैं या हम बातें करते हैं मम्मी सवेरे क्या बनाना है, हम इतना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं। वैसे कल का तो मम्मी है दिमाग में कि बनाना क्या, बनाने दी कर ली है हाँ, जेटा तू बिना तेल दे बना दी ना उसका क्या समस्या, क्यों क्यों कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो चीजें मैं खाती हूँ सब बना लेती हूँ बिना तेल के, बनाने तो मैं करेले बनाती हूँ बिना तेल के, भरता बिना तेल के बनाती हूँ। आज आप कड़ी में मजा आया कि नहीं आया, कड़ी तो ठीक है, और तोरी में मजा आया कि नहीं आया, नेनू मम्मी नेनुआ में मजा आया कि नहीं आया, ठीक बनाया सो गए मम्मी, सो आपको आपको कड़ी में स्वाद आया कि नहीं आया,
तो बिना तेल के आपने आज तक जितनी भी सब्जियां खाई मम्मी, मतलब नहीं वीडियो के लिए मत बोलो, मैं ये भी नहीं करी मेरी तारीफ करो, मतलब आपको क्या लगा कि वो तेल में नहीं बनी या बनी, उसमें कुछ अंतर था? पता ही नहीं चलता कुछ, नहीं चलता ना पता, पर लोग बोलते हैं फिर आप शाम को समोसा और पाव भाजी क्यों खाते हो? क्योंकि प्रियंका इनको चटपटा नहीं देती, इसलिए फिर ये लोग पाव भाजी और समोसा खाते हैं। मम्मी आप इसका जवाब दो। मम्मी खाती है तेरी क्या? समोसा कभी कभी खाने का, मम्मी रोज हो जाता है? नहीं एक कभी 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 छोड़ते हैं। नहीं, ये दोनों लोग झूठ बोलते हैं और एक दूसरे की आड़ में खा लेते हैं। तो मैं भी बोलती हूँ कि चलो अगर आपको खाना है तो आप खा लो, बट मम्मी आप समोसा खाते हो, मतलब आपको यहाँ पे चटपट चटपट ही चीज नहीं मिलती है, इसलिए तो मेरे को बोलो फिर मैं तेल मंगवा के आपके लिए पकौड़े बनाऊं। नहीं आप जैसे बोलोगे मैं कर दूंगी, वैसे हमारा ही फायदा है इसमें। मैं जाऊंगी अपने रूम में 12 बजे सोने के लिए, अभी टाइम 11:24 हुआ है। मटर भी मैंने निकाल कर रख दिए और पपीता पड़ा होगा खाने वाला, दो आपको खाओगे आप? खाना पपीता से गुड मॉर्निंग, सुबह का 6:45 हो रहा है, मम्मी ने मेरे को उठा दिया आज। राम राम। चाय बना दी, मैं दसो मैं नहीं उठ रहा है, पहला बाथरूम तो सुन गई, फिर मैं कैप्सूल लिया गैस वाला, ना खावा तो ज़्यादा हो जाती गैस। तो मैं आपको मना कर रही थी ना, आपने समोसा क्यों खाया रात को? फिर समोसा दूध के खाया है, उससे भी हो सकती है। हाँ दूध में, उससे पहले सब सही चल रहा था, पूरा दिन हम लोगों ने ठीक खाया, पूरा दिन तो ठीक थी, सुबह गोली खाई थी कल भी। हाँ आपको डॉक्टर ने रोज बोला है गैस वाला तो रोज खाना है? आप खा लिया? खा ली। आप चाय लोगे क्या लोगे? चाय लूँगी थोड़ी सी, थोड़ी देर पकड़ा। मम्मी का बस चले तो मम्मी 5 बजे उठ के रोटी सब्जी चाय पानी झाड़ू पोछा सब कर दे, हम भी बोलते हैं मम्मी लेट उठा करो, तो भी मम्मी 7:30 उठ जाती है, चाय बना देती है, भारत की मम्मी को चाय दे देती हैं। एक्चुअली मेरे को ना दोनों मम्मियाँ बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं सोच रही हूँ एक को माँ बोलूँ एक को मम्मी बोलूँ, ये हर रोज़ का इनका रूटीन है, क्योंकि बार तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इन लोगों ने चाय पी ली है। और उसके बाद मम्मी को बनानी है रोटी ज्वार की, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी रोटी बनाती है, और ये जो सब्जी है रात की थी तो मैंने इसको गर्म करके इनको नाश्ते के लिए दे दिया, थोड़ी सी कड़ी भी थी, और आज ना आलू मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो मम्मी बोल रही है कि मैं रोटी बना देती हूँ तू बाकी काम कर ले, तो मैं उसके बाद लगाऊंगी तड़का। मैंने मेरी हाउस हेल्पर के लिए मंगाई है फेयर एंड लवली ग्लो एडवांस मल्टीविटामिन क्रीम, जो कि कल हम बात करके भाभी मंगवा दो हमको, मैंने मंगवा दी और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने मंगवा दी। जो आप बात कर रहे थे ना कि वो छोटा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट था, ये लो बड़ा पैकेट है, खोल के देखो। हाँ हाँ जो कल हम देख रहे थे, और ये एक ये लो उससे बड़ा वाला ये है ना क्रीम, आपको अच्छी लगती है ना? हाँ यूज करते हैं फेयर लवली का खाली। और मम्मी के लिए सबके चेंज करने के लिए मंगाए हैं ब्रश, मम्मी आप आपके लिए वो प्लैक्स नहीं होता लिक्विड वाला वो मंगाया। क्यों आप प्लैक्स से कर सकते हो मम्मी, वो मंगवा दो आपको जो दंत मंजन होता है लाल। हाँ लाल वाला मंगवा दो। हाँ लाल वाला भी बहुत मदरे लोग के लिए मैं मंगाऊंगी। मम्मी आपके लिए वो दंत मंजन अभी ऑर्डर करती हूँ, प्लैक्स मंगाया मम्मी प्लैक्स करती नहीं, मम्मी कह रही मेरे को उल्टी आती है प्लैक्स से, उल्टी आती है वो दंत जो पुराने जमाने में नहीं यूज करते थे, वो अच्छा नहीं होता, जो मिट्टी की तरह होता है ईंट की तरह होता है वो वाला,
मंगाऊ? मंगवा दू? क्यों मंगा देते हो? छोटी सा पतंजलि का पापा लेके आते हैं ना, और आज पार्सल आएगा जिसमें मम्मी के आपके और कुर्ते आएंगे। आज वो पार्सल कितने हुए अभी? हाँ दो तीन और आएंगे आज, तो आगे कपड़े खत्म हो गए। पापा ने जो कपड़े दिए ना उसका कलर वलर सब निकल गया। आप जाके दिखाना कि आपकी शॉप के उसका कलर निकल गया। तो अभी अभी तो रुकोगे ना, आप बदल बदल के चेंज कर करके कर दोगे। और एक आपके लिए ना जो ये आई थी ना कल पार्लर वाली, ये कपड़ा भी स्टिच करती है, तो मैंने एक कपड़ा मंगाया है सलवार का, वो आपकी नाप की सलवारें बना के देगी आपको, तो आप वो कुर्ते सलवारों के साथ पहन पाओगे। ठीक है जी, मम्मी का पर्स आ गया। मम्मी को पर्स देख के सकते हो मम्मी ऑफिस जाएगी, और आज मम्मी दिखाएगी कि मम्मी के पर्स में क्या क्या। ये मैंने दिया था, मुझे फ्री में सैंपल मिला था, दिखाओ दिखाओ। बॉबी ब्राउन, ये विटामिन इंडस्ड फेस बेस है। मम्मी जैसे फाउंडेशन लगाना है ना हमको, तो उसके ऊपर ये लगा लेना आपने, जैसे फाउंडेशन लगाते हैं ना हम लोग, तो उसके ऊपर फाउंडेशन कभी भी लगाएंगे तो आप। गाइस आज मैं दिखाती हूँ इस इतने मोटे वाले पर्स में क्या क्या होता है। अपना पर्स में किसी ने जिंदगी नहीं दिखाई है। मम्मी के पर्स पे ये है वाइप्स, इसमें चार पांच छह वाइप्स होंगे। ये हम ताज में जाते हैं, वहां से हम शैम्पू उठा के लाते हैं, फिर हम शैम्पू यूज करते हैं। उसकी जो बोतलें होती है ना, जितनी बोतलें मम्मी मम्मी उसको धो के पता नहीं कितनी बोतलें रखी है। हाँ, और फिर उसमें मम्मी ने रखी है अजवाइन। ये देखो गाइस, आपकी मम्मी ऐसा करती है तो कमेंट करके बताना। ये मम्मी का छोटू पर्स है, जहाँ पे ज्वेलर वगैरह होते हैं ना, उनसे मम्मी ये पर्स वर्स मांग के। मैं कभी मना कर दूँ ना, नहीं मुझे थैला नहीं चाहिए, मुझे मुझे दो थैला, मेरे को आदत होती है। आप भी ऐसे करते हो? मैं नहीं करती हूँ, मुझे मत दो, मुझे मत दो। कुछ इम्पोर्टेंट कागजात हैं। ये क्या है मम्मी? इसमें इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्यों वॉमिटिंग वगैरह आ जाए रिश्ते में? ये हमने घर से डाला हुआ थैला, अगर रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए थैला, वॉमिटिंग आ जाए तो कहीं इस लिफाफे में कर लेंगे। ताजमहल पैलेस मुंबई। अच्छा उसका वाइप्स है, ये मैंने मम्मी को दी थी। नहीं आप खुद ही लाए थे आप लोग। अच्छा पेयर ऑफ सॉक्स, ये इतना सामान इस बैग में, ये वहां दिया था उन्होंने। दिखा ओ ताज आ गया ना ये। हाँ कब दिया मुझे नहीं मैंने सौंप है। हाँ ये क्या 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 रखा होता है अपने घर में? ताज आ गया ना। ये भी एक और थैला निकला। मैं कभी भी इतना सामान अपने थैले में नहीं रखूँ मम्मी। मैं इसलिए नहीं खोल रही कि आपका कुछ सामान होगा। अच्छा ये है मम्मी का कोकोनट की, कोकोनट का लिप्स, लिप्स पे लगाने। इसमें से निकला ये मम्मी का बॉडी शॉप का लिप्स पे लगाने वाला, और ये भी बॉडी शॉप का है, ये पिंक कलर का है ना। अच्छा ये फॉरेस्ट एसेंशियल की लिपस्टिक ली थी ना अभी हमने अलांटे से, अलाची वाली है। लगाते हो नहीं आप कुछ भी? लगाती है रोज रोज की नहीं। खाओ भी तो अभी थोड़ा सा रह गया। मेरी मदर इन लॉ को इतना सामान दिया था मेकअप का लगाने का, पता नहीं मम्मी के पर्स में मुझे कुछ मिलता ही नहीं। कहाँ गया सब सामान मम्मी? नेल पेंट, बक्सुआ, नेल कटर, लिपस्टिक। दीपला है? दीपला है। और ये निकला मम्मी का हैंड क्रीम, ये छोटू शीशा। इतना मेरे पर्स में नहीं होता इतना कुछ भी। मैं कहीं जाती हूँ मेरे को सामान नहीं मिलता, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी अगर साथ में है तो मम्मी को बोलते हैं। हाँ यार ऐसी ये चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें ना आपके पर्स में। मम्मी अब तो आपने ऑफिस ऑफिस जाना नहीं, अब क्या करना है पर्स लेके? हाथों में जिदा हाथों लगा ले, हाथों एलर्जी एलर्जी ना होगा कोई चीज थी, मतलब हाथों लगा ले। किसी ने कहना दुकान है पर्स लाई हूँ। काली मिर्च, काली मिर्च और किस डब्बे में डाली हुई है? ये भी किसी होटल होटल का बोतल है मम्मी को, ऐसी बोतल। मम्मी आप पता क्या क्या करो, एक काम क्या करो, ये स्टिकर उतार दिया करो। अच्छा ये एक और। अच्छा आन चल रहे दीदी ले गए। अच्छा है इसमें? हाँ अच्छी है अच्छी। फिर शुगर चेक करो, फिर ठीक हो जाती, फिर जब भी ना ले आती भी मैं।
आंचल के लिए रख छती हूँ हाजमोला, हाजमोला बहुत खाती है। खाती है आंचल? सफर के लिए। अच्छा ये सिद्धू का दिखाया शीशा दिखता है इसमें? अभी तो खत्म नहीं हुआ। हाँ ये थोड़ी सुइयां है, ये रख लेने जूड़े लाने वाली, जूड़ा करके अपना सजी थी शादी में दीपू के। ऐसे ये ना दीपू की शादी में मम्मी ने उन पार्लर वालों ने लगाया था, काफी सारे थे ऐसे, बट मम्मी ने एक संभाल के अपने पर्स में रखा है। और भी होने हैं बढ़िया। तो मम्मी का पर्स नहीं है ये, पूरा एक मतलब दुकान की तरह है। संभाल है ना, ये संभाल कर दे, ऐसी कर दे नहीं, लापरवाह इतने पई पई है ये। बढ़िया कॉइन्स और सेफ्टी पिंस। कॉइन्स भी मतलब कि दी के फिर जरूरत पड़ जाती ना। एनक जो लगाते हो कभी आप? जी शुगर की देसी दवाई पूरी है। सिट तो चाक के। हाँ अभी तो बहुत है, खत्म कैसे? शगनों के कार्ड है इसमें, शगन की खाली कई बार हो जाता ना रीयूज। बिंदी का पत्ता मम्मी ने इसलिए रखा क्योंकि हम मैं ना कई बार मम्मी से मांग लूँ बिंदी देता हूँ, मम्मी कह रहे अच्छा वो भी मैं दूँ निकाल के। तो हम कई बार घर पे छोड़ देते हैं ना कोई भी सामान, तो मम्मी अपने पर्स में डाल लेते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें मिल जाता है। सुई धागा रेडिसन वाला। हाँ ये पिन्ने। हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ सामान, अभी और भी है। और ये है पॉकेट मनी, छोटू पर्स कितने दिया मैं आपको? खाली है, खाली है, 50 रुपए है। मम्मी का सामान नहीं खत्म हो रहा मेरा, मैं देख देख के तंग हो गई। इतना सामान, लैचिया निकल रही है, कम करो थोड़ा सामान मम्मी। शिमला पर निकाले बंदे को बोला हमने की चाय बनाओ, उसके बाद लैची नहीं थी, हमने अपने पर्स से निकाल के दी उसको लैची। ऐसी जगह किसी भी रहती है ना मम्मी को, इलायची छोटी इलायची सुंड अजवाइन और है ना, बड़ा अजीब सा कुछ छोड़ता है मम्मी को, अजीब सा कुछ। मम्मी की बैग में इलायची क्या अजवाइन क्या पैंडी जो दवाई होती है वो खाल पेट वाली कुछ बहुत सारी चीज होती है, नींद की दवाई जो सिट्रिजिन नहीं होती है मतलब जो खाने से नींद आती है छिके छिके लग जाती है ना, मैं डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्राइब करी हुई है वो, और वॉमिटिंग की, लूज मोशन की, इमरजेंसी में जो ट्रैवल किट होती है वो सब मम्मी के बैग में होता था जब हम ट्रैवल करते थे। मैं बोलूँ कि मैं चीज़ें अच्छे से मैनेज करती हूँ, बट अगर देखा जाए ना ओवरऑल मम्मी बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज करती है, ऑफिस के साथ, बच्चों के साथ, फिर इतनी कम उम्र में जैसे मेरे पापा नहीं रहे, घर को बनाना, संवारना, खेतों को देखना, सब चीज़ें देखना। आज जो लोग देखते हैं ना जो व्लॉग में हमको देखते हैं, हम कहाँ से उठे हैं वो अगर आप देखोगे, मैं कहती हूँ हर किसी की अपनी कहानी होती है बट वो बहुत डिफरेंट होती है कि आप उस चीज़ को भूल नहीं पाते, इसलिए मेरा हमेशा जो झुकाव रहता है ना, जैसे मेरे हेल्पर हैं या कुछ है, मेरे को मेरा ज़्यादा झुकाव ना उनकी तरफ बहुत रहता है। जैसे मैं किसी को नीचे के काम पे लगा है, कानपुर में सब मुझे मशहूर थी मैं कि वो मैडम के पास जाओ वो चाय बनाएगी, तो मेरा कुछ नहीं चलना ऐसा ऐसा, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को उस चीज़ से निकल के आए। आज वाली लाइफ जो आप देख रहे हो ना वो तो हमारे लिए मतलब किसी महल से कम नहीं है ये लाइफ, क्योंकि हमने पर वो जिंदगी थी ना, मैं खेत चला गई जहाँ पींदे थे ना मम्मी, खेत में बैठ जाना, प्रीति और दीपू चाय लेके आते थे, हम पीते थे, बैठे रहना वहीं पे खेत में, धूप नहीं लगती थी, एसी का तो पता भी नहीं होता था, एसी होता गया, कूलर भी नहीं होता था हम लोग के पास में, है ना। वो वाली लाइफ भी अच्छी थी, ये वाली लाइफ भी अच्छी है, बट आज जो ये वाली लाइफ देख के बार लोग कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते हैं ना, उन्होंने वो वाला सफर हम लोग का देखा नहीं। इसी खुशी में हमारी हेल्पर हमारे लिए चाय लेके आ गई। मैं दिखाती हूँ अपना पास पीले क्या क्या, मेरे में तो ज्यादा दवाइयाँ ही होंगी। मम्मी के पर्स में पता, मम्मी ज्यादा सामान क्या, मम्मी ऑफिस जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, मेरे पर्स में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैंने इन दोनों को बोला कि ट्रिप पे जाना है तो आप भी अपना बैग ले आओ, है ना, थोड़ा बैग को समेट लेते हैं, जरूरी है मैं आपको।
मम्मी मेरी मम्मी को पता क्या लगता है कभी कभी कि मैं सामान उठा के पता नहीं किसको दे दूंगी, मम्मी कह रही मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। काम आता है ये क्या क्या निकल रहा है ₹5 रबर बैंड। एक बार मम्मी इनके पर्स है मेरे से रबर बैंड था, हम मुंबई में थे, रबर बैंड दे दो। मम्मी कह रही उदा इतना सामान रख दी, मैं तो मांग रही मम्मी के पर्स से पता नहीं कितने रबर बैंड निकले। हाँ गैस की है ये मैं लेके आई ना कल आपके लिए, बिंदी का पत्ता और ये कुशन मुझे अभी लगाने हैं, मैंने धो के रखे हुए थे कल के। क्या आएंगे अभी 8 से 10 पार्सल, वो तो आपको व्लॉग में ही देखने को मिलेंगे। और मम्मी आपको सब ट्राई करना है, जो नहीं आएगा वो हम वापस कर देंगे। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। पापा को फोन करो मम्मी, पापा का वीडियो कॉल वाला फोन होता ना, नहीं करें पापा को वीडियो कॉल भैया के नंबर पे, और आप गाना सुनाना। आने से तेरे जाने से और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, नंदी का गाना पर लगाना, जान जा रही है याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरे आने से पहले, जान जा रही है। पापा को फोन करो, याद आने से तेरे जाने से मेरी जान जा रही है, तेरी याद आ रही है। ना घर है ना ठिकाना, आगे भूल गए हमें बस चलते जाने से पहले। आपके सच्ची पापा की याद आ रही है, याद आ रही है मम्मी, सच्ची बता दो आप अगर आ रही है तो। आ रही है, मुझसे पूछ तो मुझे ऐसा लगता है ना मम्मी, इस टाइम पे लाइफ पार्टनर की जरूरत ज्यादा होती है ना, पति पत्नी को। आप हमेशा ऐसे बोलते फिर आ जाते हो। अब मैंने कुछ सोचा है आप दोनों के लिए, नहीं 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 अब मतलब जैसे मैं समझ रही हूँ कि आप ऐसे बुरा तो नहीं मान रहे कि मैंने ऐसे बोला कि आप आ जाते हो बार बार, क्योंकि मैं ही लेके आती हूँ आपको फोर्स करके। मैं मम्मी को फोन करूंगी, मम्मी कह रही हाय पापा मना कर रहे हैं, मैं गल करती पापा, मैं खुद पापा को फोन करती हूँ, मम्मी को भेज दो, फिर कहते मैंने तो मना कभी किया ही नहीं। मम्मी वैसे आप पापा को बोलते, पापा मैं तो कभी मना करते नहीं इसको, तो मैंने पता थोड़ा अपने आप को महसूस नहीं, मैंने पता क्या सोचा है कि आप दोनों आए करो साथ में, दोनों ना नहीं आना नहीं साफ कर कुछ जबरदस्ती झुक के ले आएंगे क्यों नहीं, उनका दिल नहीं करता अपनी दुकान नहीं छोड़ दे। कानपुर में तो आते थे, कानपुर एक दो बार आए थे, चंडीगढ़ भी आए थे, चंडीगढ़ तो पास में था, शिमला भी तो गए थे एक बार मैं आप पापा, हाँ शिमला गए थे, हम रातों रात वापस आए थे फिर घूम फिर के, जब बर्फ पड़ी हुई थी वहाँ पे, है ना, वो चंडीगढ़ गए हाँ जाना सी, नहीं आपको पता था मेरे को पता था, पापा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना घूमना, मम्मी ही नहीं कुछ बोलती, मम्मी को जहाँ मर्जी बोला हम चल पड़ते सास में, है ना, सारे नाल दे जम्मे जिद्दां भी होण ओखे वेले ओही काम आंदे, पर हुण है ही नहीं कोई ऐसे। सेम मेरी दिल्ली वाली बुआ और ताया जी अकेले रह गए ना, तो दिल्ली वाली बुआ बड़ी होती है, एक समय होता है ना जब हम अपने जैसे अब अपने भाई जैसे आपके बड़े भैया थे वो चले गए थे, जैसे थोड़ी भैन चल गए, एक टाइम आता है ना जब हम याद आती है ना अपने, एक समय ऐसा होता है जब हम सब भूल जाते हैं, शादी हो गई बच्चे हो गए हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, लेकिन एक समय फिर ऐसा आता है कि हाँ है ना, भी इंसान वापिस वहीं जाना चाहता है जहाँ से वो। और मम्मी आपको ऐसा लगता है जैसे अभी मेरी शादी को तो इतना टाइम हुआ, आपकी तो काफी टाइम हो गया, आपको तो बहुत टाइम हो गया, आपको ऐसा लगता है कि जो
पत्नी की वैल्यू होती है वो इंसान को जब थोड़ा वो बुजुर्ग होता है ना आदमी, तब रियलाइज होती है ना, उससे पहले वो हर किसी को खुश करता है लेकिन पत्नी को ऐसा लगता है कि नहीं होता ना ऐसे, मुझे ऐसा लगता है, मैंने सोचा कि आपसे कंफर्म करूं, मेरे नाल होता है ना ऐसे। नहीं ये मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही, ऐसा इंसान जब उसका जब उसको लगता है ना कि मेरे को ये बीमारी लग गई, हकीकत है ना, हाँ कि ना इंसान कई बार ना सबको खुश करता है, चाहे वो मैं ही हूँ, है ना, हम अपने पार्टनर को भूल जाते हैं और पार्टनर की याद तब आती है जब सब साथ छोड़ जाते हैं। नहीं जब मतलब कि हम हाँ साथ कुछ भी कह लो उसको ना, कि पार्टनर की वैल्यू ना इससे एज में आके ज्यादा रियलाइज होती है, मुझे ऐसा लगता है। पहले हम पता नहीं कोई इसको भी खुश कर ले उसको भी खुश कर ले, अंत में तक जो रिश्ता मेरे को लगता है कि है तो सब रिश्ते अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट, पर अंत में जो रिश्ता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो पति पत्नी का है, है ना, कि पत्नी बोलती है जैसा भी है जैसा भी मेरे को वहां पे हो मुझे उसके साथ रहना, पति बोलता है मुझे उसके साथ रहना है, ये मैंने काफी बार नोटिस करा है। बच्चे अपने अपने कमरे च होंदे, किन्नू बुलाना फिर, ये है ना एक दूजे दा चलो सहारा हो जांदे, कुछ मैनू हो जाए वो उठ जाते उन्होंने कुछ मैं उठ के पानी पूनी दवाई दवाई जो ये होंगे, और जैसे इकट्ठे बैठ के चाय पी ली चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी होता है ना यार उन्होंने आना है चाय पीने है। मम्मी अगली बार से आपका फिक्स है, जब भी आएंगे आप साथ में आओ, साथ में जाओ पापा, हाँ तू करी फोन, हाँ पापा ना मैं कह दूंगी, फिर आना मैं टिकट हो जाऊंगा एक बार उनसे ना बात करने, वही तो चक्कर है ना, मैं टिकट करा दो आपको पता मैं तुरंत टिकट करा देती हूँ, अपनी दुकानदारी का हिसाब किताब ज्यादा जिम्मेदारी उनको लगता है ऐसे, वैसे मना कोई नहीं करता उनको जाने के लिए, हाँ पर जैसे कानपुर में भी आए थे तीसरे दिन बोले नहीं मुझे वापिस जाना है, तुम बोले दुआबे नहीं रेंदे उस वेले लंग गई काहे गुरानी अधी अधी राती तड़के दा पैरा उस वेले लंग गई काहे गुरानी पांड्यां दी सेवा ते वेले सुरतियां रहियां उस वेले लंग गई काहे गुरानी एक चरखा गली दे विच डालिया दूजा सुरमा अखां दे विच पा लिया नी एक तेरी अख काशनी सोहणी है ना अगे ने ओ नाल नाल गाओ आ लंदा है नाल नाल लंदा चरखा चरखा न न न न शावा कर लगी के हां सु मुंड दस दी है मुंड हां इदा कर दे नी मैं कत्ता परी ता नाल चरखा चन्नण दा शावा लाठी लोहे दी चरखा कुकर दिंदा शावा कुकर लगी कलेजे शावा एक मेरा दिल पे तड़के शावा दूजा कंगन कड़के शावा चरखा चन्नण दा शावा चरखा चन्नण दा कत्ता परीता नाल चरखा चन्नण दा। मम्मी आपको पता है मम्मी को ना मिट्टी के चूल्हे तमाम प्रकार के बनाने आते हैं, अचार तमाम प्रकार के बनाने आते हैं, टोकरी में ऐसी बना लेती अब बना लेते हो राड लगा के हाँ ऐसे करके। तो मैं पता मम्मी को बोल दूँ जैसे अभी रिटायर्ड हो गया ना, अगर मम्मी जो मम्मी का शौक था जैसे मम्मी को कदोलियां बनाने का शौक है, खरोशिया का बुनने का अचार का दरिया दरिया का है ना पक्खे जो नहीं थे झूलने वाले वो मिट्टी, तो मम्मी अगर ये सब करे तो सही नहीं रहेगा। हाँ हाँ
हाँ मतलब मम्मी बहुत टैलेंटेड है। मम्मी आप टैलेंटेड हो बट आपको ना कोई ऐसा चाहिए जो आपके टैलेंट को पहचान के मतलब हेल्प करे कोई, है ना, सो दैट कि आप वो सब चीजें कर पाओ, उससे आप बहुत खुश रहोगे, आपको अच्छा फील होगा। कुछ तो बैठने वास्ते सफा बना लिया करनी है ना, कुछ पखे बना लेने, कुछ ऐदां दी बोईए बना लेने। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी ऐसा कुछ करे तो सही रहेगा, क्योंकि मम्मी को काफी सारी चीजें आती है, जब हम चादरों पे वो कढ़ाई नहीं होती मम्मी जो है ना, पहले ये दिख मेरी है सही ज्यादा। हां अच्छा लग रहा है, दो तीन उठे रखे घर दे लगाऊंगी है ना। मैंने बड़ा शौक लगा ऐदां फूल फल जे लगावा पाया करा फिर मैं ना जब मैं कांटी पावा है ना कांटी पावा फिर मैं ऐदां गल च ऐ चैन पावा फिर मैं ऐदां लगा परी लगा फिर परी लगा फिर ऐदां दिल करदा भी हाए आदमी चले गए शौक नहीं मुके एक आते नहीं मुके फिर रोना भी आ जाता फिर लोगों ने कहना शौक गाते करती है ना इन्ना मैनू की बड़ी आदमी आता भी जेडे मेरे शौक है ना सारे मेरे शौक गब्बे ही रह गए। छोटी जी बिंदी लगा लिया कर नाले तू लिपस्टिक जी लगा लिया कर मैं पूरा लगा कर लिया वा फिर मैं लोग कई तरह दया ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਕੋ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਲੂਜ਼ੋ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਤ ਬਣਾ ਕੋ ਇਹਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲਈ ਕਿ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਨਾ बड़े शौक होंगे ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦੀ ਕਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਕਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹਿ ਵਧਾਏ ਵੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਮੋੜੇ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪ ਮੰਮੀ ਆਪਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਮੰਮੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕ ਪੀ ਲਓ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਜੀਜਾ ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਬਲੀ।